बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामुलैक या सैयदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या खातमन नबीयीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूत टाइम पर पहले दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। एक वीडियो का नाम है कादियानियों को बतौर गैर मुस्लिम अकलीती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी, और दूसरी वीडियो है जो इसी के मुतलका है, वो है क्या कादियानी गैर मुस्लिम अकलियत हैं। इन दो वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा, इसके बाद हमारी ये वाली वीडियो आप देखेंगे तो फिर बात सही तरीके से समझ आएगी। यूं समझ लें कि ये तीसरा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बात यह हो रही है कि आया कादियानी मरजई अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत समझते हैं कि नहीं समझते। जनाब, आज यहाँ पाकिस्तान में डेट है 29 अप्रैल 2020, और ये वीडियो मेरे सामने ओपन है, और ये 28 अप्रैल 2020 को ये जनाब अपलोड की गई है, और वीडियो का नाम इन्होंने रखा है कि गैर अज जमात इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, और ये वीडियो क्लिप नंबर है 1285। आइए जी, ये ज़रा देख लीजिएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कादियानी मर्जई अपने आप को मुसलमान समझते हैं या कि गैर मुस्लिम अकलियत समझते हैं। गैर अहमदी की मस्जिद में जाओ, उनके पीछे नमाज पढ़ना क्यों नहीं लाओ? क्यों नहीं लाओ? बात यह है कि पहले अहमदी गैर अहमदियों के पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे, फिर गैर अहमदियों ने मुखालफत की और उन्होंने अपने आप को रोका, लोगों को रोका कि अहमदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़नी। फिर हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया कि तुमने भी नहीं पढ़नी, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि हम हज़रत मसीह मौऊद को मानते हैं ना, ठीक है ना, गैर अहमदी नहीं मानते। हम क्या मानते हैं मसीह मौऊद को? जी, यहाँ पे गैर अहमदी से मुराद है मुसलमान लोग जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत डालते हैं और उसको सुअर और खंजीर से भी ज़्यादा बदतर समझते हैं। इनका नाम इन मर्ज़ियों ने गैर अहमदी रखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ मसीह मऊद, मसीह मऊद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है जिसको ये लोग अपना नबी और रसूल समझते हैं। आगे सिमात फरमाएं। हम मसीह मऊद ऐसा को मानते हैं कि वो इमाम मेहदी हैं, मसीह मऊद हैं, और अल्लाह ताला ने उनको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी में नबी बना के भेजा है जो आ हज़रत सल्लम की शरीयत को आगे फैलाने वाला है, ठीक है। इसलिए हम तबलीग करते हैं ना दुनिया दूसरों को, इसलिए हमने मिशन खोले हुए हैं ना, इसलिए हम अफ्रीका में भी जाके तबलीग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमरीका में भी, यूरोप में भी, एशिया में भी हैं। गैर मुसलमानों को भी मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, हम उनको अहमदी नहीं बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, ठीक। हाँ, कज़ाब इंसान है जी ये, झूठा, ये मिर्ज़ा मफरूर जो है झूठ बोल रहा है, हम उनको मुसलमान बनाते हैं, हम उनको अहमदी नहीं बनाते, झूठा फ्रॉड या तरीन इंसान है ये, भागा हुआ है जी ये पाकिस्तान से, ये मफरूर है। तो बहरहाल सुन ले इसकी फ्रॉडियाँ। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहि सलाम को इमाम मेहदी बनाया और वो दूसरे जो मौलवी हैं, अल्लाह ताला ने कहाँ पे बनाया? ये तो तुम लोगों ने कागजी तौर पे बनाया है, मलका विक्टोरिया से बनवाया था कि मलका विक्टोरिया के आगे वो मिर्ज़ा कादियानी रोता रहा था। हाँ जी, वो तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा है, वो गिड़गड़ा के उसने वो मिर्ज़ा वो मलका विक्टोरिया से दुआ की थी, ए मेरी खुदा, ए मेरी परवरदिगार मलका विक्टोरिया, मुझे महदियत के दर्जे पर फायज कर दे, मसीहियत के दर्जे पे फायज कर दे। ऊपर से हकीम नूरुद्दीन ने फिर मशवरा दे दिया कि अब तू दावा कर दे, देखी जाएगी, दे मार साढ़े चार वेखी जाएगी, लानतां दे साढ़े ते पैनिया ही पैनिया ने, तू मसीहियत का दावा ठोक दे। अच्छा जी, आगे सुने जी। वो अल्लाह ताला के बनाए हुए इमाम को नहीं मानते, हेलो नवी सुन लो, तो क्या हम हमारी गैरत इतनी बेगैरत है हम के उसके पीछे नमाज पढ़ लें? बेगैरत हो तुम, बेगैरत हो, जिसको जो हमारे जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इमाम का इनकार करता है।
ये इमाम जो मस्जिदों का है उनको तो लोगों ने इमाम बनाया ना। हाँ जी ठीक है, मसीह मौत को अल्लाह ताला ने इमाम बनाया, और जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इमाम का इनकार करता है उसके पीछे हम किस तरह नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते। ठीक है अच्छा जी, चलो जी बहरहाल ये इसकी जो है ना बक बक सुन लीजिए हमने, और पहले भी बड़ी इसकी बक बक सुनी हुई है। पहली बात तो ये है कि नमाज का तुम्हारे साथ तलक वासे को नहीं है, पाकिस्तान के आयन को तुम मानते नहीं हो, तुम तो अपने आप को मुसलमान कह रहे हो, और ये मोहतरम इमरान खान साहब ये जरा वीडियो उनके लिए है जनाब खसूसी तौर पे, गैर मुस्लिम अकलियत है जी कादियानी मर्जई। वो कब गैर मुस्लिम, वो तो आज कहते हैं पक्के ते सच्चे मुसलमान है, पक्के सच्चे सुच्चे मुसलमान। हाँ जी वो नमाजें, वो कहते हैं हम किसी मुसलमान के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो तो काफर है, मुर्तद है, वो मुशरक है। तो ये तो सारे पाकिस्तान के मुसलमान तो हो गए काफर मुर्तद, हाँ जी मुशरक, इनके पीछे तो नमाज मर्जियों की होती नहीं है। तो रही बात नमाज पढ़ने का मामला, तो नमाज का तुम्हारे साथ क्या तल्लुक वास्ता है मर्जियो, तुम जाके तुम इबादत करते हो यल्लाश की, काले की, कालू की, जिसको तुम खुदा मानते हो, तो उसकी तुम इबादत करो, उसका नाम तुम लोगों ने नमाज रख दी है। लानत तुम लोगों के ऊपर, मुनाफिकीन के ऊपर, मुनाफिकों के ऊपर, सबसे बड़े मुनाफिक तुम लोग हो। हाँ जी ऊपर से तुमने लॉलीपॉप दिया हुआ है, खान साहब को भी लॉलीपॉप दे दिया जी, उनको पता नहीं तुमने क्या वो गिद्दड़ सिंह की सुंघा दी है कि जनाब हम मुसलमान होते हैं, हम मुसलमान होते हैं, हम पता नहीं वो गैर मुस्लिम होते हैं, पता नहीं क्या तुमने सुंघा दिया उनको। अबे तुम्हारा इस्लाम के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, तुम लोग जिंदीक हो जिंदीक, वो कुफर का जो सबसे निचला दर्जा है वो है तुम लोग जिंदीक हो जिंदीक, मुर्तद नहीं हो तुम, जिंदीक हो, मुर्तद से भी निचला दर्जा जो होता है वो है तुम लोगों का। लिबादा तुमने इस्लाम का ओढ़ा है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। हाँ जी अमेरिका अफ्रीका के अंदर तबलीग करते हैं, हम लोगों को मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान कहाँ पे बनाते हो, तुम तो बना रहे हो मर्जई बना रहे हो, तुम बना रहे हो लोगों को जनाब वो असलियत नहीं दिखाते। असलियत लोगों को बताया करो ना जाके कि मिर्जे की तस्वीर भी हाथ में पकड़ा करो और कहा करो कि इसको हम मोहम्मद समझते हैं और कलमा हम इसका पढ़ते हैं, तो फिर देखो तुम्हें जाके लोग जूतियां कितनी रसीद करते, तुम्हें लोग जूतियां रसीद करेंगे, और तुम वो जिस यूरोप की गोद के अंदर बैठे हुए हो अमरीका अफ्रीका के नाम लेते हो, उनको बताओ ना जाके कि जिस यसु और जीजिस को तुम अपना खुदा और खुदा का बेटा और खुदावन तस्लीम करते हो, तो ये हमारे मिर्जा जी उनको बड़ी लंबी चौड़ी गालियां निकाला करते थे। हाँ जी वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उनको गालियां निकाला करते थे ये मिर्जा जी हमारे, तो फिर देखना ये अंग्रेज तुम्हारी दुर्गत कितनी बनाते, उन्होंने तुम्हें उधर रोड़ों के ऊपर ही बिछा लेना है बच्चों। हाँ जी मर्जई मुनाफिकीन ड्रामेबाज। बहुत शुक्रिया दोस्तों, दुआ को रहिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए, इन दो वीडियोस को भी पहले लाजमी देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।